नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के चैनल मिस्टर अजमेर टेक्निक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फोर्स मोटर्स के आने वाले फोर्स ट्रेवलर स्कूल बस 21 प्लस डी के बारे में। दोस्तों एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि चैनल से आपको हर नई गाड़ी की अपडेट कुछ इस तरीके से हमेशा मिलती रहे। दोस्तों और आज हम खड़े हैं फोर्स मोटर्स के शोरूम बी के फोर्स अजमेर पर। दोस्तों किसी भी गाड़ी के बारे में जानकर जब परचेस करनी हो तो आप बी के फोर्स अजमेर पर यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो इसकी प्राइस होने वाली है 18,75,000 रुपये की ऑन रोड प्राइस होने वाली है बी के फोर्स अजमेर पर। और कुछ इस तरह का नज़र आता है इसका फ्रंट व्यू। बिग साइज की आपको मिलती है फ्रंट विंड स्क्रीन, ऊपर स्कूल बस की ग्राफिक्स मिल जाती हैं, डबल आपको यहाँ पर वाइपर्स देखने मिलेंगे और डबल ही वॉशर जेट इस पर देखने को मिलेंगे। स्कूल बस की ग्राफिक्स, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड, बिग सिक्स की ग्राफिक्स, बिग साइज का बोनट। और यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके हेडलाइट सेटअप से, तो आपको ब्लैक बेजल हेडलाइट सेटअप मिलता है, हाई बीम और लो बीम हेलोजन बल्ब मिल जाते हैं, नीचे मिल जाती है पार्किंग लैंप्स, ऊपर आपको यहाँ पर इंडिकेटर देखने को मिलेगा। और कुछ इस तरह की बिग साइज की ग्रिल आपको यहाँ पर मिलेगी, फोर्स की बेजिंग और फोर्स का काफ़ी बड़ा सारा लोगो आपको फ्रंट में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ब्लैक कलर का बंपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कंपनी आपको फोग लैंप्स के लिए जगह दे रही, कंपनी फिटेड नहीं, आफ्टर मार्केट यहाँ पर आप फिट करवा सकते हैं टोइंग को क्लिक कनेक्शंस। और इसके ग्रिल में काफ़ी अच्छा गेम मिल जाता है जिससे रेडिएटर को अच्छी ताज़ा हवा सामने से मिल सकें। और हम बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन की, तो आपको यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों फ्रंट में एंटी रोल बार विद लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन एंड शॉक एब्जॉर्बर के साथ में। और कुछ इस तरह का नज़र आता है इसका साइड प्रोफाइल्स। और हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके टायर से, तो आपको यहाँ पर मिलता है फ्रंट में 215/75 15 इंच का टायर स्टील रिम के साथ। फ्रंट में आपको यहाँ पर इसमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, बिग साइज का साइटन इंडिकेटर, ट्रेवलर स्कूलर एफ एम 2.6 की आर की यहाँ पर बेजिंग आपको मिलेगी। और बिग साइज के मिलते हैं इसके आउटसाइड मिरर जिससे कि ड्राइवर पीछे की साइड आसानी से इसमें पूरी कवर कर सकें। ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स और की से भी आप इसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं। सेफ्टी का यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा है कंपनी, देख सकते हैं कि हर विंडोज़ के आगे इन्होंने पाइप्स लगाए गए हैं सेफ्टी के हिसाब से, पार्किंग लैंप्स। और यहाँ से आप अपना फ्यूल फिल करवा सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर फ्यूल टैंक क्षमता की बात की जाए तो 65 लीटर की कैपेसिटी में आपको यहाँ पर इसका डीजल टैंक इसमें मिलने वाला है। और पीछे की हम बात करें तो पीछे आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक सिस्टम इसमें देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर के आईब्रोज। और एक बार नज़र डाले रियर प्रोफाइल्स की, तो इस तरह का नज़र आता है इसका रियर प्रोफाइल्स। और हम अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके टेलीमिनट से, तो आपको ऊपर मिल जाए स्टॉप लैंप्स, पार्किंग लैंप्स, इंडिकेटर लैंप्स और नीचे रिवर्स लैंप आपको देखने मिलेगी, वो भी हैलोजन बल्ब के साथ ही। और दोस्तों यहाँ के वर्कशॉप के और शोरूम के नंबर है, किसी भी आप बात करने स्थिति में आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। ट्रेवलर सुपर की बेजिंग और ब्लैक कलर का आपको यहाँ पर रियर बम्पर मिलने वाला है। और इसके साथ 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी कंपनी आपको यहाँ पर देने वाली हैं। फोर्स की बेजिंग, स्कूल बस की ग्राफिक्स पीछे भी आपको देखने को मिलेगी, नंबर प्लेट के लिए जगह और पीछे ही देखने को मिलेगा इसका स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर। और अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की, तो यहाँ पर इसके लंबाई होने वाली है 6,265 mm, चौड़े होने वाली है 1900 mm और ऊंचाई होने वाली है 2,550 mm। और यहीं अगर इसके व्हील बेस की बात की जाए तो 3700 व्हील बेस में आपको मिलता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 200 mm का हायर इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस में देखने को मिलेगा। और दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि फोर्स मोटर्स ट्रेवलर काफ़ी समय से शहर की सड़कों और बाहरी यात्राओं पर राज करती हुई चली आ रही हैं। और फोर्स मोटर्स और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर अपने वाहन बना रही हैं, जैसे टूरिज्म बस, ट्रेवलर बस, स्कूल बस, एम्बुलेंस, गुड्स कैरेज आदि में अपनी सेवाएँ देती हुई चली आ रही हैं। दोस्तों 60 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर रहने वाली है दोस्तों। गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार 280 mm डायर क्लच आपको इसमें मिलने वाला है। और दोस्तों कंपनी आपको यहाँ पर 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर माइलेज का इसमें दावा करती हैं। और दोस्तों डीजल के अलावा आपको इसके अंदर एक और डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल भी रिफिल करवाना होगा, जिसकी 24 लीटर की कैपेसिटी इसमें रहने वाली है। और बात कर लेते हैं इसके लेफ्ट साइड की तरफ से, हम एक मजबूत फुट स्टेप आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ एक इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं बैटरी कट ऑफ के लिए, नीचे एक बैटरी कट ऑफ दिया गया है। दोस्तों अगर लंबे समय से आप गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर रहे हैं तो यहाँ से इसका बैटरी कट ऑफ भी आप कर सकते हैं। और ओपन करते हैं इसको लेफ्ट साइड से, कुछ इस तरह का साइड ट्रिम मिलती है, मजबूत ग्रैब हैंडल्स मिल जाता है, इनर हैंडल मिल जाता है, लोकल नॉक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अंदर हैंडर होने के लिए यहाँ पर आपको एक सामने ही सीट देखने को मिलेगी दोस्तों, जिसे आप ऊपर नीचे फोल्ड करके अंदर आसानी से एंट्री ले सकते हैं।
कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह की सीटिंग कैपेसिटी आपको मिलती है। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ दोस्तों, 21 प्लस डी आती हैं, यानी कि टोटल 22 सीटर हैं ये, और काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है अंदर जाने के लिए। जैसे कि एट्रिक्स मिल जाती हैं, जैसे कि बच्चों के बैग वगैरह आप यहाँ से आसानी से रख सकते हैं, और दो मजबूत कुछ इस तरह के पैर भी आपको मिल जाते हैं, अगर बंदा कोई खड़ा हो तो इनको पकड़ के खड़ा हो सकता है। नाइट मोड के लिए LED रूफ लाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, पीछे के इमरजेंसी डोर मिल जाते हैं, इस तरह से इसको खोल के आप इमरजेंसी में बाहर निकल सकते हैं। और ये मजबूत यहाँ पर विंडो मिलती है, कुछ इस तरह से आप इसको ओपन कर सकते हैं बाहर की हवा अंदर लेने के लिए। पीछे भी आपको दो छोटे छोटे रूफ लाइट्स देखने को मिलेंगी LED, और हर सीट्स के पीछे कुछ तरह के हैंडल्स मिल जाते हैं बच्चों के सेफ्टी के लिए, बच्चे इनको आराम से पकड़ के बैठ सकते हैं। और हुक्स मिल जाते हैं जिससे कि बच्चे अपनी बोतल वगैरह यहाँ पर टांग सकें। नीचे भी आपको स्पेस मिल जाता है अपने बैग वगैरह कुछ रखने के लिए। और दोस्तों इसकी सीटिंग कैपेसिटी एक बार कैसी लगी है एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ड्राइवर के लिए साथ एक फर्स्ट एड किट यहाँ पर दिया गया है इमरजेंसी में। और यहाँ पर नीचे आप एक फायर एक्सटेंशन टैंक देख पाएंगे दोस्तों, ये एक सेंसर से जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर 7-8 नोजल लगे हुए हैं जो कि इंजन पे दिए गए हैं, और इसकी एक मशीन लगी हुई है, इसको हम बोलेंगे FDSS, यानी कि फायर डिटेक्शन स्प्रिंकलर सेंसर, जो कि आग लगने की स्थिति में इसके जो सेंसर्स और इसके जो नोजल लगे हुए हैं ऑटोमेटिक फायर करना चालू कर देंगे दोस्तों। ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर सेफ्टी का यहाँ पर सिस्टम दिया है। और ड्राइवर सीट के यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह के यहाँ पर भी पाइप्स लगाए गए हैं ताकि अच्छी सेफ्टी बने रहे। ड्राइवर अगर ब्रेक भी मारे तो बच्चे एकदम आगे नहीं जा सके, इसलिए अच्छी सेफ्टी यहाँ पर कंपनी ने दी है दोस्तों। और बात कर लेते हैं इसके सनवाइजर की, दो बिग साइज़ के आपको यहाँ पर सनवाइजर देखने को मिलेंगे, ना तो इसमें कोई टिकट होल्डर मिलता ना ही कोई आपको इसमें वैनिटी मिरर देखने को मिलेगा, नॉर्मल ही मिलते हैं। ऊपर आपको एक LED रूफ लाइट मिल जाती है नाइट मोड के लिए, और बिग साइज़ का मिलता है इसका IRVM आपको, मजबूत ग्रैब हैंडल्स आपको मिल जाते हैं अंदर एंटर होने के लिए। और दोस्तों अब चलते हैं इसके ड्राइवर केबिन में अंदर की तरफ, कुछ इस तरह के मजबूत ग्रैब हैंडल्स, लॉक अनलॉक, इनर हैंडल, विंडो इलेक्ट्रॉनिक हैंडल, वही आपको नॉर्मल ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये फायर एक्सटेंशन टैंक आपको यहाँ पर नॉर्मल जो मैनुअल आता है वही मिल जाता है दोस्तों। और ड्राइवर सीट की बात की जाए तो आपको कुछ इस तरह की ड्राइवर सीटिंग कैपेसिटी मिलती है, वो भी हेड रेस्ट के साथ में। और ड्राइवर सीट को कुछ इस तरीके से आगे से मूव कर सकते हैं, और इसकी हाइट भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। पेडल्स यहाँ पे वन ओपन लीवर मिल जाता है। और यहाँ पर अगर स्टेयरिंग की बात की जाए तो 4-spoke स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, फोर्स का लोगो मिलता है इधर, इधर हेडलाइट यूनिट कंट्रोल मिल जाता है, इधर आपको वाइपर्स कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। और एक बार नज़र डाला इसके क्लस्टर पे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इधर आपको RPM मीटर मिल जाता है, इधर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है दोस्तों। स्पीडोमीटर इसका 180 का दिया गया, लेकिन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार 60 किलोमीटर पर इसकी लोड करने वाली है। और यहाँ पर आपको इसमें फ्यूल लेवल का मिल जाता है इधर, इधर वो बीच में आपको AW के लिए मिल जाता है, इधर आपको टेम्परेचर मीटर मिल जाते हैं दोस्तों। और भी कई सारे और लैंप्स आपको इसमें देखने को मिलेगी, हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल्स, इधर आपको रीजनरेशन कंट्रोल मिल जाते हैं, और एक्स्ट्रा स्विचेस के भी लिए आपको इधर जगह मिल जाती हैं। कुछ तरह नज़र आता है इसका डैशबोर्ड, यहाँ पर आपको हेड के कंट्रोल मिल जाते हैं और इमरजेंसी कंट्रोल मिल जाते हैं, इधर इसके जो अंदर रूफ लाइट दिए गए उसके कंट्रोल मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको इको मोड भी कंपनी दे रही है दोस्तों, अगर गाड़ी कहीं खाली चल रही हो तो इको मोड का इस्तेमाल करके अच्छा अपना अच्छा एवरेज निकाल सकते हैं। 12 वोल्ट का चार्ज सॉकेट भी आपको कंपनी यहाँ पर इसमें देने वाली है। कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, एक बार गाड़ी चलाने से पहले इन पर ज़रूर नज़र डाल लें। और आपको ये मिलते हैं गियर लीवर 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स, रिवर्स लगाने के लिए आपको कुछ इस तरह से इसे ऊपर स्लीव करके इधर गियर डालना पड़ेगा। और मैन्युअली मिलते हैं इसका पार्किंग ब्रेक्स आपको यहाँ पर, और डैशबोर्ड में यहाँ पर आपको एक छोटी सी जगह मिल जाती है जिसमें कोई छोटे मोटे सामान यहाँ पर चीज़ आप अपने रख सकते हैं। यहाँ पर मजबूत ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं पकड़ने के लिए। स्टॉप की ग्राफिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी लेफ्ट साइड के दरवाजे पर। और अब ओपन करते हैं इसका बोनट यहाँ से अपन, और दिखाते हैं इसके इंजन आपको, यानी कि बात करते हैं इसके इंजन की, तो आपको यहाँ पर दोस्तों मिलने वाला FM 2.6 CRDI BS6 4 सिलेंडर
कॉमन रेल डीजल इंजन जो 115 एचपी की पावर व 350 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। ये 5-स्पीड मैनुअल सिंक्रोनस गियरबॉक्स का आता है दोस्तों। दोस्तों मैंने बताया था कि 10 से 12 किलोमीटर तक पर लीटर माइलेज की कंपनी यहाँ पर इसमें दावा करती हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों इसका डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल यानी कि जिसे AW या फिर यूरिया वो सर लोग बोलते हैं, 24 लीटर की कैपेसिटी आपको यहाँ पर ये मिलने वाला और आपको रिफिल कराना होता है इधर। हाँ तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये 4 स्टेबलर स्कूल बस 22 सीटर, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर माई ऑल फ्रेंड्स।